अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूँ। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बहुत महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स करवा के, बहुत महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ करके फेयरनेस के हवाले से थक चुके हैं, आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी उसी तरह है, आपकी फ्रैकल्स की प्रॉब्लम भी उसी तरह है, आपकी सनटैन की प्रॉब्लम भी उसी तरह है, और दिन ब दिन मसाइल बढ़ रहे हैं, ना कि घटने के बजाय आपकी जेब भी हल्की हो रही है, आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, देखने वाले तेरा ध्यान किधर है, जैन भाई इधर है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जैन भाई मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चेहरे पे किस तरह ग्लो ला सकते हैं, फेयरनेस ला सकते हैं, अपने चेहरे के जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो सनटैन की प्रॉब्लम है, जो एक्नी स्कार्स की प्रॉब्लम है, उसे परमानेंटली किस तरह रिमूव कर सकते हैं, और अपने चेहरे को किस तरह चमकता दमकता हुआ गुलाब के फूल की तरह की बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल एक मामूली चीज़ से। जी हाँ, एक बहुत सस्ती तरीन और एक इंतहाई मामूली चीज़ से। फ्रेंड्स, जब मैं आपको उस चीज़ का नाम बताऊंगा तो आप लोग बड़े हैरान होंगे कि इतनी सस्ती चीज़ के ज़रिए आप अपने चेहरे को किस तरह खूबसूरत और ग्लोइंग बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सच है, उस छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ से, बहुत सस्ती सी चीज़ से आप अपने चेहरे को बड़ा चमकता दमकता हुआ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको चेहरे को खूबसूरत बनाने वाले, चेहरे को ग्लोइंग बनाने वाले, चेहरे को बड़ा प्यारा शगुफ्ता नर्म मुलायम बनाने वाली इस ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, उसके नाम के बारे में बताऊं, उसके यूज़ के बारे में बताऊं, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और फ्रेंड्स, जब आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया करें तो साथ में जो घंटी का बटन होता है उसे लाजमी प्रेस किया कीजिए, क्योंकि जब आप घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिला करेंगे, जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अदरवाइज आप वीडियो मिस कर दिया करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे लाजमी शेयर किया कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है जिस वीडियो के जरिए आपको कोई बेनिफिट हुआ हो, आपको कोई फायदा हुआ हो, तो उसी वीडियो के जरिए आपके किसी नेक्स्ट रिलेटेड पर्सन को भी फायदा हो जाए, वो बंदा के ऐसे आपको दुआएं दे। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली, चेहरे को बड़ा ग्लोइंग चमकता दमकता हुआ बनाने वाली, और क्रीम्स से, पिगमेंटेशन की क्रीम से, फेयरनेस क्रीम से आपकी जान छुड़वाने वाले इस ट्रीटमेंट के बारे में जो बताया था, ये जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जस्ट एक चीज़ चाहिए। जी हाँ, एक चीज़ चाहिए, कोई 70,000 चीज़ें आपको नहीं चाहिए फ्रेंड्स, वो चीज़ है ये आड़ू यानी पीच। फ्रेंड्स, अब आप लोग हैरान होंगे कि इस पीच यानी आड़ू से चेहरे की फेयरनेस या चेहरे की खूबसूरत जिल्द का क्या लिंक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका लिंक बताऊँगा, वो लिंक ये है कि ये आपने एक लेना है आड़ू, बल्कि आड़ू आपको खाने के काम ही आएगा, आपने इस आड़ू का पूरा खाना है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि भाई आड़ू पूरा खा लिया तो चेहरे पे क्या लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने लगाना है चेहरे पे आड़ू का छिलका। जी हाँ, आड़ू का पीला आपने इसके चेहरे पे लगाना है। फ्रेंड्स, आपने इसे यूज़ इस तरह करना होगा कि रात को या दिन में किसी भी वक्त आपने अपने चेहरे को फेस वॉश या साबुन से धोना है, अच्छी तरह साफ़ करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये जो आड़ू है, आड़ू का फ्रेंड्स आपने इस तरह इसे, इसका जो होता है ना छिलका, छिलका लेना है आपने। ये ले लिया, इस टाइम थोड़ा बड़ा छिलका लिया है मैंने, ताकि वो ईज़िली चेहरे पर इसका मसाज हो सके। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने ये छिलका है, छिलका लेके अपने फेस के ऊपर आपने इसे लाइटली लाइटली मलना है, रब करना है, ज़्यादा हार्डली आपने नहीं करना, बिल्कुल आपने सॉफ्टली पोले पोले हाथों से अपने चेहरे को मलना है। फ्रेंड्स, आप इसे डेली यूज़ करना चाहें डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वीक में 3 से 4 दिन यूज़ करना चाहें 3 से 4 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसे चेहरे पर मलना है, 5 मिनट आपने इसे मलना है, 4-5 मिनट मलना है चेहरे पे, मसाज करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद आपने सादा पानी से मुंह धो देना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटेड गारंटेड कहता हूँ कि आप ये देखिएगा कि इस छिलके से, जी हाँ, इस छोटे से नन्हे मुन्ने से छिलके से आपका जो चेहरे का कॉम्प्लेक्शन होगा वो फेयर होना शुरू हो जाएगा, ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगा, एक्नी की प्रॉब्लम है, एक्नी स्कार्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सनटैन की प्रॉब्लम हुई भी है,
फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह तमाम सॉल्व हो जाएंगे और आपका चेहरा बड़ा प्यारा प्यारा नरम मुलायम हो जाएगा और गुलाब के फूल की तरह चमकता दमकता हुआ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।